वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और हम लोग इस जा रहे हैं अभी तारागढ़। वो ब्लॉग काफी बड़ा हो गया था जिसकी वजह से हमने उसको बंद कर दिया वहीं पे। और अभी तक आप लोगों ने वो जो लाल वाला जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, अगर जाके सब्सक्राइब कर दो और ब्लॉग में बने रहो आप लोग, काफी मजा आने वाला है। तो हम लोग तारागढ़ अभी पहुंच गए हैं और जाएंगे पहले मजार में, उसके बाद आपको यहाँ का नजारा दिखलाएंगे कैसा दिखता है। ये तारागढ़ पे जो मजार है ना, ये सबसे बड़ा दरबार दूल्हे का मजार है, शहीद है आप। और आज भी इनके दरबार में इनको दूल्हा बनाते हैं, जैसे शादी का रस्म होता है ना जी, पूरा शादी की तरह सजाते हैं आपको। 18 रजब को इनकी शहादत का दिन होता है, आज जो टाइम आता है ना, तो आपका ये पूरा रोजा पूरा मजार को सेकंड के लिए ऐसे हिलता दरबार आ गया। ये सबसे बड़ा करामत है, मजार पाक के हिलने से जो कलावा बांधते हैं उसको लोग मिलते नहीं जाते हैं। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, मजार हिलता तो कोई हैरत की बात नहीं है जी। शहीद है अल्लाह ताला ने आपके लिए कुरान में फरमाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लाह कासबन लजीना फतुलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन दरबे मुज़क्कून, के जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा ना समझना जी। कि आपके चेहरे तो हम देख रहे हैं, आपके दिल में क्या सरकार सज जाएगी जी जी। अब अंदर एक तो मेहंदी मिलेगा जिनकी शादी से टूट जाते हैं, और एक औलाद का फल लेते हैं जिसको औलाद भी होती है। ये दोनों चीज़ों भाई छोटा हमारा अगर चाहिए तो बता देना, इसका कोई पैसा वगैरह नहीं, ठीक है ना जी। यहाँ ज्यारत करने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ 12,000 मज़ार है, तो यहाँ जगह जगह चादर फूल पेश नहीं होता है। जो बड़ी दरगाह है वहाँ एक ही मज़ार पे यहाँ सिर्फ सफ़ेद कपड़े की चादर चढ़ाई जाती है जी, एक ही मज़ार पे जी। हिंदुस्तान का पहला दरबार है कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ वाइट कपड़ा पेश किया जाता है, वाइट चादर के अलावा यहाँ लाखों रुपये का रंगीन लाओगे आप यहाँ चढ़ाया जाता है जी। खादिम बताते हैं गरीब नवाज ने आपको दफ़न किया तो वाइट कपड़ा पेश किया जी। तब से आज तक आपके बारगाह में आने वाला अमीर गरीब फकीर एक ही मज़ार पे सफ़ेद कपड़े की चादर देने से तमाम 12,000 मज़ार तक सेवा पहुंच जाता है। अभी जो वाइट कपड़े की चादर पाक का जो तोहफा होता है, लोग घर से लेके आते हैं, हमारी खान का दिया जाता है जी। अब यहाँ जो चादर पाक चढ़ाई जाती है इसमें तीन साइज़ होता है, तीनों साइज़ का हदिया मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी जो अल्लाह ने आपको तौफीक दिया जी। Thank you.
पहले अभी वजू बनाएंगे, उसके बाद अच्छा ये बना मैंने लकड़ी का था जी, ये बनाया नाम है सिंपल सिद्धू। अच्छा उसका जो पंजाबी है वो पंजाबी है, उसने बनाया क्योंकि दुआ था जी 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 सरकार के बारे में अर्ज करा कबूल हुआ तो सरकार के बारे में तो नाम बढ़ाऊंगा मैं। जैसे हम लोग आए कलकत्ता से, लंदन से आए। अच्छा नाम बढ़ाऊंगा, ये छतरी बनाया कलकत्ता वाले ने जी, इनका नाम ताहिर भाई। ताहिर भाई वो तो दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग आ रहे ना मेरे भाई कुछ मिले तभी लोग यहाँ आ रहे हैं जी। बेशक भाई की सरकार शहीद है और आपके दिलों में क्या सरकार जानते हैं। हाँ ये बात सही है। अभी हम जो खादिम थे यहाँ के उनके गद्दी में आए हुए हैं, ये रहा उनका गद्दी, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी दिल को सुकून हो गया, फातिया हुई, चादर पेशी हम लोगों ने किया और क्या, बाकी सब बढ़िया है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़। अंदर जा सकते हैं? लेकिन सुबह अभी जा सकते, अभी जा सकते हैं। वो मजा रहा है, ये जो मुहर्रम में ताजे बनते ना उनका बारह मना है।